हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का इंफोटेनिंग वर्ल्ड में। आज मैं एक ऐसी जगह खड़ा हूँ जो नागपुर की सिर्फ खूबसूरत ही नहीं बल्कि इसे नागपुर का बहुत ही इम्पोर्टेंट और हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट माना जाता है। जी हाँ दोस्तों, आज मैं खड़ा हूँ दीक्षा भूमि के सामने। दोस्तों, नागपुर में स्थित दीक्षा भूमि ये एक ऐसी जगह है जहाँ पे डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने अपने 6 लाख से भी अधिक फॉलोअर्स के साथ में दीक्षा ली थी। तो आइए दोस्तों, दीक्षा भूमि को एक्सप्लोर करते हैं। हमारे साथ में एक ऐसे भाई जुड़े हैं जिनके साथ में हम डॉक्टर बी आर अम्बेडकर और दीक्षा भूमि की काफी सारी बातें करेंगे। आई होप हमारी इस बातों से आप सबको काफी इंफॉर्मेशन मिले। तो अंशुल भाई, कैसे हैं आप? बढ़िया भाई, वेलकम टू इंफोटेनिंग वर्ल्ड। तो अंशुल भाई, मेरा सबसे पहला सवाल आपसे ये है, दीक्षा भूमि के एक्चुअल मायने क्या है? दीक्षा भूमि अपने आप में खुद में एक इम्पोर्टेंस है, ये अपने आप में खुद में एक इतिहास रखता है। जी, ये इंडिया के सेंटर बोले तो महाराष्ट्र की उपराजधानी नागपुर में स्थित है। जी, और यहाँ सब में बड़ा धर्म परिवर्तन हुआ है, जो ना आज तक और ना इसके पहले कभी हुआ है। जी, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने अपने 6 लाख अनुयायियों के साथ यहाँ पे बौद्ध धर्म में दीक्षा ग्रहण करी थी। ओके, दीक्षा ग्रहण करी थी। तो अंशुल भाई, जैसा आपने कहा अभी कि 6 लाख से भी ज्यादा उनके साथ में फॉलोअर्स थे, हाँ। क्या वो रीजन था जो इतनी बड़ी तादाद में डॉक्टर बी आर अम्बेडकर के साथ में इतने सारे फॉलोअर्स उनके साथ में जुड़े? एक मायना तो यही भी है कि पहले जो अस्पृश्य समाज के लोग थे जिनको अछूत समझा जाता था, जी, वो ये दलित वर्ग के लोग थे, और ये दलित वर्ग के लोगों को इन्होंने अपना एक समानता का अधिकार मिलना चाहिए। जी, समानता का उनका दर्जा मिलना चाहिए। तो दूसरे धर्मों में जो दर्जा था, जो लोगों को दर्जा दिया जाता था, वो समानता का अधिकार उनको मिलने के लिए डॉक्टर बी आर अम्बेडकर के पीछे इतने बड़ी तादाद में लोगों ने इनको फॉलो किया और ये धर्म दीक्षा में प्रवेश किया। जी अंशुल भाई, मैंने एक चीज और सुना है कि डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने कई सारे ग्रंथों को पढ़ा, जैसा कई सारी चीजों को पढ़ा, उसके बाद में उन्होंने ये अपना ही एक बोल सकते एस्टैब्लिश किया। हाँ, तो उसका क्या कहानी है, क्या स्टोरी है? उन्होंने काफी धर्मों का पठन किया। जी, उन्होंने इस्लाम धर्म का पठन किया, उन्होंने सिख धर्म का पठन किया, उन्होंने और काफी धर्मों का पठन किया, पर उन्होंने को उनको ऐसा कहीं नहीं लगा कि मेरे ऐसे बंधुओं को, दलित वर्ग के लोगों को समानता का अधिकार मिलेगा। फिर उनका ध्यान बौद्ध धर्म की ओर अग्रसर हुआ। जी, फिर वो वहाँ पढ़े, उन्होंने वहाँ काफी अध्ययन किया, पठन किया, तब जाके उनको लगा कि मेरे यहाँ ये दलित वर्ग के लोगों को, पिछड़े वर्ग के लोगों को यहाँ समानता का अधिकार मिल सकता। तब जाके उन्होंने बौद्ध धर्म को फॉलो किया और बौद्ध धर्म में अपना धर्म प्रवेश किया। तो नागपुर ही ऐसा क्यों वो जगह है जहाँ पे उन्होंने दीक्षा लिया? बिल्कुल, आपका यही सवाल काफी अच्छा सवाल है। नागपुर एक यहाँ जो बौद्ध धर्म का प्रसार जिन लोगों ने किया, जी, जिन लोगों के तरफ से असलियत में बौद्ध धर्म का प्रसार होना शुरू हुआ, जी, वो थे नागवंशी लोग, नाग लोग बोले तो साफ नहीं। अच्छा, नागवंशी एक प्रजा, ये वंशज थे। जी, एक वंशज थे नागवंशी, और ये नागपुर में ही थे सबसे ज्यादा तादाद में, और इन्होंने ही बौद्ध धर्म का प्रसार किया था। अंशुल भाई, जैसा आज की जनरेशन में डॉक्टर बी आर अम्बेडकर से इंस्पायर होके काफी सारे लोग अपने गुड वर्क्स करते, अपने इंस्पिरेशन मानते, उस समय डॉक्टर बी आर अम्बेडकर की इंस्पिरेशन कौन थे, वो किससे इंस्पायर हुए? उनकी सबसे पहली इंस्पिरेशन जो थी वो तथागत गौतम बुद्ध, जी, जिनको वो अपना गुरु मानते थे। जी, सेकेंड उनके जो गुरु थे वो है संत कबीर, जी, जो उनके पिताजी कबीरपंथी थे, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर के पिताजी कबीरपंथी थे। जी, तो वो सेकेंड गुरु उनको अपना संत कबीर मानते हैं। जी, संत कबीर को मानते हैं। और तीसरा जो गुरु थे वो उनके है, वो महात्मा ज्योतिबा फुले। अच्छा, तीन लोगों को वो अपना गुरु मानते थे, और इन्हीं से इंस्पायर्ड होके उन्होंने वो धर्म, यानी बौद्ध धर्म के ओर अग्रसर हुए थे। तो आपको क्या लगता है अंशुल भाई कि आज की जनरेशन में जो आजकल का यूथ है, या क्या ये सब चीज़ों को मानता है, क्या वो आज भी डॉक्टर बी आर अम्बेडकर के चीज़ों पर अमल करता है? बिल्कुल, मैं तो बोलूँगा हाँ, मानते हैं ना, बहुत से लोग ऐसा
उनको फॉलो करते हैं, उनकी तरफ बढ़ते, क्योंकि उनके जो पॉजिटिव थॉट्स थे, जो गौतम बुद्ध को उन्होंने अपना गुरु माना था, गौतम बुद्ध का एक ही कहना था कि मैं आपको मार्ग बताऊंगा, जी मैं आपको एक मार्ग बताऊंगा, आप उस पर चलना आपका काम है, मैं एक सच्चाई का मार्ग बताता हूँ, उस पर चलना आपका काम है। उन्होंने कभी ऐसा नहीं बोला था कि मेरी कोई पूजा कीजिए, मेरे को कोई हार फूल चढ़ाइए। आज भी आप यहाँ देखेंगे दीक्षा भूमि में, आपको कहीं भी हार फूल की दुकान नहीं दिखेगी। अगर आप दीक्षा भूमि के बाहर अगर यानी बाहर जैसा एग्जिट करते हो तो आपको किताबों की दुकान मिलेगी। जी, डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर का यह कहना था कि मेरा समाज शिक्षित हो, शिक्षित हो, शिक्षित होना चाहिए, बढ़ना चाहिए। उन्होंने कहा था शिका संघर्ष करा यानी संगठित हुआ। तो अंशुल भाई, जैसा आज की जनरेशन क्या डॉक्टर बी आर अम्बेडकर को फॉलो करती है, क्या उनके थॉट्स पे, उनकी बातों पे अमल करती है? बिल्कुल करती है, उनके थॉट्स को पॉजिटिव लेके बहुत से लोग फॉलो करते हैं उनको, काफ़ी उनकी यानी जो उनके पॉजिटिव थॉट्स थे, जो डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर ने अपने कथन में भी बोला था कि मैं यानी सच्चाई के मार्ग पे चलो, उनको गौतम बुद्ध को फॉलो करते थे और उन्होंने कहा था सच्चाई के मार्ग पे चलो। आज से आज भी बहुत से यूथ जनरेशन भी उनको फॉलो करती है, उनके थॉट्स को फॉलो करती है। तो हमारे चैनल के थ्रू आप आज की जनरेशन को, आज के यूथ को डॉक्टर बी आर अम्बेडकर या दीक्षा भूमि के बारे में क्या मैसेज देना चाहोगे? मैं तो आपके चैनल के माध्यम से यही बताना चाहूँगा कि डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर के जो विचार है उनके विचारों पर अमल करना चाहिए, उनके विचारों को लेके उस पर चलना चाहिए, उस सत्य यानी वचन पे, कथन पे उनको चलना चाहिए, उनको फॉलो करना चाहिए। और तथागत गौतम बुद्ध को जो अपना वो गुरु मानते थे, उनके भी थॉट्स को यूथ जनरेशन ने फॉलो करना चाहिए, ताकि काफ़ी पॉजिटिव थॉट्स है, और अगर वो थॉट्स को अपन ने अगर फॉलो किए तो काफ़ी इंसान चेंज कर सकता है अपने आप में, खुद में एक चेंजेस ला सकता है। अंशुल भाई, काफ़ी अच्छा लगा आपसे बात करके। आई होप हमारे सवाल जवाब से हमारे इंफोटेनिंग वर्ल्ड की जो फैमिली है उनको काफ़ी सारी जानकारी मिली है। और दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो से कुछ सीखने को मिला है, अगर आपको कुछ जानकारी मिली है, तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन ज़रूर दबाइएगा। टिल देन स्टे ट्यून एंड कीप सपोर्टिंग। थैंक यू।